हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं धूप में हम काले क्यों हो जाते हैं? लोग काले गोरे क्यों होते हैं? त्वचा का रंग काला गोरा क्यों होता है? क्या मेलानिन से आदमी गोरा और काला होता है? इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी त्वचा हमारी बॉडी को कवर करने वाली एक प्रोटेक्टिव लेयर है और हमारी इसी बॉडी की त्वचा में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट भी मौजूद होता है, जो कि ये हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। और यही मेलानिन से ये पता चलता है कि कोई इंसान गोरा और कोई इंसान काला क्यों होता है, धूप में हम काले क्यों हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर किसी इंसान की त्वचा में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो इंसान सांवला या काला होता है। और यही मेलानिन जिस इंसान के शरीर के त्वचा में कम मात्रा में होती है वो इंसान गोरा होता है। दोस्तों, दरअसल होता ये है कि जब सूरज की किरण लंबे समय तक हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो वो हमारे त्वचा में मौजूद मेलानिन को नष्ट करने लग जाता है और फिर हमारा शरीर बचाव के लिए ज़्यादा मात्रा में मेलानिन प्रोड्यूस करने लगता है। इसी वजह से धूप में हम काले होने लगते हैं और हमारी बॉडी की स्किन हल्का डार्क हो जाता है। दोस्तों, ये थी धूप में हमारी स्किन काली होने के पीछे की वजह, जिसे आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि धूप में हम काले क्यों हो जाते हैं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें मजाक उड़ाना आता है। ना जाने कब हमारा साथ छूट जाए, ना जाने कब आँखों से आंसू छूट जाए। कुछ पल हंसा करो यारो, ना जाने कब तुम्हारा दांत टूट जाए। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में पीस लिख दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।